हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि केमिकल कंपनी के बारे में। जो कंपनी का जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है जापान में। 1925 में कंपनी फाउंड हुई थी और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडियरीज भी जो कि काम करती है, जैसे कि सुमीटोमो केमिकल्स गार्डन प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में इसकी अभी भी मार्केट में ट्रेड होती हैं। तो सुमीटोमो केमिकल कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले कि कंपनी का शेयर करंटली इंडिया के लेवल के हिसाब से अगर बात करूँ तो उसमें बाइंग करने जैसा है या नहीं, तो उन सब चीज़ों की बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आपने भी कोई कंपनी में निवेश किया हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कंपनी की बात करें, दैट इज सुमीटोमो केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर क्या करती है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो एक कंपनी प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर एज वेल एज सेल करती है, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो इन ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनके हम उनका थोड़े बहुत एग्जांपल्स ले लेंगे, दैट इज लिक्विड क्लोराइन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, सिंथेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बनते हैं केमिकल रिलेटेड, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वो एक कंपनी मार्केट में बनाती है एज वेल एज सेल भी करती है। उसके थ्रू कंपनी का प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू होता है। अब हम कंपनी के डेटा की ओर ध्यान देंगे तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही कम है, दैट इज 29.22 का सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 60.67, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मैं देखूँ तो जो कि सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 2.62, जबकि इसका पीवी रेशियो है 13.11 के रेशियो फॉर्म में, जो कि अगेन ज़्यादा है कंपेयर टू द सेक्टर। सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.04, जबकि इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है सिर्फ 0.23 के परसेंटेज फॉर्म में। और ये कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैप है वो है 16,205 करोड़ रुपीज़ का, और जो स्टॉक की जो रैंकिंग है वो है 202, और इसका जो बीटा है वो है 0.85, जो कि ये बताता है कि इतना ज़्यादा ये रिस्की स्टॉक नहीं है। इसमें आप नॉर्मल सा मोमेंटम के लिए भी या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें मार्केट में आप इसको बाय कर सकते हो और अच्छे टाइम पे सेल भी कर सकते हो। 20 दिन की अगर एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 351,996 की इसमें डिलीवरी भी उठी है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, बिकॉज कंपनी का जो डेटा है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव या फिर सेक्टर के कंपैरिजन में आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। बट ऑल्दो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही देखने को मिलेगा, ऑल्दो थोड़ा सा करेक्शन हो शेयर के प्राइस में तो बात अलग है। बट फिर भी कंपनी के बारे में बात करूँ, 2017 से लेकर 20 तक आपको कोई भी साल पे जो भी कंपनी का रेवेन्यू उसमें भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, और प्रॉफिट में भी आपको कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। इस साल इवन इन द पैंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसको स्टेबल या फिर अच्छे खासे ट्रेंड में रखा है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी है इस कंपनी के बारे में। कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो वो था 2.23,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 2.43,000 करोड़ रुपीज़, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट जो कि पिछले साल था 0.16,000 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 0.20,000 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ अगेन अ गुड इंडिकेशन कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ, मतलब मार्केट में इसके जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में सेल हो रहा है, और उसके थ्रू कंपनी जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। अब एक और अच्छा है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 50%, दैट इज 75% ऑफ द होल्डिंग इस शेयर की जो है कंपनी की वो कंपनी के खुद के प्रमोटर्स के पास है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी के अंदर। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 1.87%, DII होल्डिंग दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इस कंपनी में है 4.73%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग दैट इज FII का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 1.14%, और रिटेल एंड अदर कैटेगरीज मतलब आप जैसे और मेरे जैसे इस कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 17.23 के परसेंटेज फॉर्म में। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स, इट इज 2020 दैट इज मार्च 2020 से हम कंपनी का जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट था वो कंपेयर करेंगे दो भाग में, दैट इज फर्स्ट
दैट इज टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन, दैट शोज कंपनी का जो भी टोटल इनकम हुआ है, टोटल सेल वो और कंपनी का उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है वो। तो हम देखेंगे कि मार्च क्वार्टर में जबकि कंपनी का जो सेल था वो हुआ था 450 करोड़ रुपीज़ का, उसके ऊपर डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर और 417 करोड़ रुपीज़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 22 करोड़ रुपीज़। तो कि जून क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो बढ़कर हो चुका था 650 करोड़ रुपीज़, और उस टाइम जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया था वो था 539 करोड़ रुपीज़, और जो कंपनी का प्रॉफिट था वो बढ़कर हो चुका था 22 करोड़ से 79 करोड़ रुपीज़। और सेप्टेम्बर क्वार्टर की बात करूँ तो जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है या फिर टोटल इनकम है वो बढ़कर हो चुका है 908 करोड़ रुपीज़, उसके ऊपर जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 694 करोड़ रुपीज़, और जो कि कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बनाता है 157 करोड़ रुपीज़। हालांकि ये ट्रेंड के हिसाब से तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने हर क्वार्टर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, दैट इज थ्री टाइम्स अपना परफॉर्मेंस दिया, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा इस कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब है कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 15.21%, 19 में बढ़कर हो चुका था 20.12%, और इस साल फिर से हो गया है 16.75 के परसेंटेज फॉर्म में। अगर ROC की बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में कंपनी का 22.68%, 19 में बढ़कर हो चुका था 25.07%, और 20 में हो चुका है 23.92%। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 8.75%, 19 में 8.91%, और 20 में हो चुका है बढ़कर 9.71%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। कंपनी के अपन लेवरेज रेशियोज देख लेंगे तो लेवरेज रेशियोज कंपनी का जो देखेंगे दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि पिछले कुछ सालों से कंपनी का मार्केट में डेट था, जो कि 2018 में था 0.01, 19 में 0.02, और इस साल कंपनी हो चुकी है डेट फ्री कंपनी। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन कंपनी डेट फ्री हो गई, मार्केट में इसका कोई भी डेट नहीं है, तो जो कि एक अच्छा इंडिकेशन लग रहा है मुझे इस कंपनी के अंदर अभी बाइंग करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है, कंपनी क्या पेमेंट, क्या कैपेसिटी है कंपनी की वो करंट इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने की, वो जो परसेंटेज फॉर्म होता है वो बताती है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 78.91%, 19 में 74.10%, और इस साल हो चुका है 54.95%। अब हम कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है वो हम देखेंगे, तो आज जो इसने क्लोजिंग दी है दैट इज फ्राइडे क्लोजिंग वो इसने दी है 0.18% डाउन में, दैट इज 320.45 रुपीज़ पे आज मार्केट पे इसमें क्लोज हुआ है। बट हम इसके हाई की बात करें, दैट इज फाइव ईयर हाई की बात करूँ तो वो है इसका 338.2 रुपीज़, और वो इतना भी दूर नहीं है कि कंपनी ने अपना जो हाई है वो अभी जस्ट मेंटेन या फिर अभी जस्ट अचीव किया है, विद इन 2-3 दिन के अंदर ही कंपनी ने अपना जो हाई है वो अटेन किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ये शेयर 300 के लेवल या फिर 280 के लेवल पे अगर आपको आने को मिले तब आपको इसमें बाइंग लेवल बनाना चाहिए। ऑल दो अगर आपको इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, दैट इज सुमीटोमो केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि आपको सुमीटोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड का हमने जो भी एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको भी और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। अगर आपको सुमीटोमो कंपनी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द से जल्द दे सके। सो थैंक यू।